हरे कृष्णा। आज मैं भरवा अरबी बनाने जा रही हूँ। इसको हमने ऐसे छील लेना है और मोटे मोटे अरबी ली हैं ऐसे। ऐसे हम सारी अरबी छील लेंगे। और इसको धो के अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। ऐसे हमने सारी अरबी को अच्छे से वॉश करके और पोंछ लिया है, अच्छे तरह से अच्छे कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। अब हम अरबी के लिए मसाला लेंगे। तो इसमें मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया और 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच सौंफ जिसे मैंने थोड़ा सा भून लिया है और भून के हल्का सा पीस लिया है, नमक स्वाद के अनुसार और हल्दी 1/2 चम्मच और 1 चम्मच अनारदाना लिया है मैंने और 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी 1/2 चम्मच कसूरी मेथी। तो चलिए अब हम इसको मसाले को मिक्स कर लेते हैं और इसमें भरते हैं। तो ये मैंने इसमें ले लूँगी मैं, इसमें मैंने 2 चम्मच धनिया डाल दिया। हल्दी, मिर्च, कसूरी मेथी आधी डाल देंगे, आधी ऊपर से गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। सौंफ और ये मैंने अनारदाना लिया है। अगर अनारदाना नहीं है आपके पास तो आप अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। और ये भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी हींग। नमक स्वाद के अनुसार। अब इस मसाले को हम मिक्स कर देंगे। आधी चम्मच हम अजवाइन भी डालेंगे इसमें। ये थोड़ी सी 1/2 चम्मच अजवाइन। अब हम अरबी को ऐसे लेंगे और ऐसे पकड़ के साइड में हल्का सा कट लगाएंगे, पूरा नहीं लगाएंगे, आधा लगाया और पलट के भी हम ऐसे लगाएंगे कट ऐसे। एक और दिखाती हूँ। ये अरबी को लिया, इसको हमने ऐसे कट लगाया, फिर हमने मोड़ लिया, फिर हमने दूसरी तरफ से कट लगाया और ऐसे ही हम मसाला भरेंगे। ऐसे करके और इसमें हम मसाला भरते जाएंगे। तो ये दोनों तरफ से हमारा मसाला भर जाता है। ऐसे ये हमारा मसाला भर गया।
अरबी में, ऐसे ही हम सारा भर लेंगे। इस तरह से मसाला भरना है। अब हम फिर ऐसे करेंगे और ऐसे हम सारा भर लेंगे। तो ये हमारी भिंडी भरकर, मसाला भरकर तैयार है। ये इस तरह से सारी भर गई हैं। अब हमें इसको एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे, सरसों का तेल लिया है मैंने, और इसमें हम थोड़ा सा हींग डाल देंगे। हींग हमने मसाले में भी ली थी और इसमें भी थोड़ी सी हम डाल देंगे। तेल हो गया है, अब हम एक एक करके अरबी डाल देंगे। ढक के रख देंगे और आंच को हम स्लो कर देंगे। अब हम देखेंगे थोड़ा सा चला लेंगे। गैस स्लो ही रखेंगे और 5 मिनट के लिए फिर ढक के रखेंगे। देखते हैं खोल के, चलाते रहेंगे बीच में ताकि जल ना जाए और इसको हम हाथ से दबा के देखेंगे। हाँ, थोड़ी सी कसर और है अभी, तो अब हम इसको थोड़ी देर और ढक के रख देंगे। देखेंगे हम, बहुत अच्छी अरबी बन रही है हमारी। इस समय हम एक चम्मच इसमें पानी डाल देंगे हल्का सा, ताकि इसका मसाला ना जले, और फिर से ढक के रख देंगे। चलिए हम देखते हैं इसको खोलकर। बहुत बढ़िया, हमारी अरबी भरवा अरबी बनकर तैयार हो गई है और गल भी गई है। ऐसे में आप इसको इसमें ऐसे करके देख सकते हैं चम्मच से, तो ये हमारी गल गई है अरबी और बहुत अच्छी बनी है। अब हम इसको निकालेंगे। चलिए अब हम इसको निकालते हैं।
लीजिए, हमारी भरवा अरबी बनकर तैयार है। हरे कृष्णा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरा चैनल पसंद है तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में लिखकर मुझे बताइए कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। हरे कृष्णा।